नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पीयूष कुमार पटावरी है। मैं सिलीगुड़ी में एज ए कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन काम करता हूँ। आज मैं आप लोग के सामने ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। ओवर एक्टिव ब्लैडर के मुख्य सिम्टम होते हैं पेशाब बार बार लगना, रात में बार बार पेशाब लगना, रात में 2 बार से अधिक पेशाब लगना जिसके कारण नींद बाधित होना, पेशाब लगने के बाद कंट्रोल नहीं होना, यहाँ तक कि पेशाब की कुछ बूंदें निकल जाना, ये सब OAB के नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो कि साथ में अन्य पेशाब के सिम्टम के साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि पेशाब में जलन होना, पेशाब बूंद बूंद उतरना, पेशाब क्लियर नहीं होना। तो ये सारे एक सिम्टम प्रोफाइल है जो बहुत सारे पेशेंट्स को रहते हैं। हमें ये चीज़ समझना होगा कि इस बीमारी का इलाज संभव है और हम इसको एक कुछ बिहेवियरल थेरेपीज और दवाइयों के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। बिहेवियरल थेरेपी जैसे कि हमें चाय कॉफ़ी में कटौती करना, अल्कोहल स्मोकिंग में कटौती करना, फिजिकल फिटनेस मेंटेन करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, और साथ में एक कीगल्स एक्सरसाइज बोल के व्यायाम होते हैं जिससे हमारे पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रांग होते हैं। तो जिन पेशेंट्स को पेशाब लीक होने की समस्या होती है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर इन सब चीज़ों से भी मरीज को फायदा नहीं पहुंचता है तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग उसके लिए मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं। मेडिसिन्स जो होती है वो बहुत ही कारगर होती है और करीब करीब 70-80% लोगों को मेडिसिन से फ़ायदा हो जाता है। पर उसके बाद भी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको मेडिसिन से फ़ायदा नहीं होता है, तो उनके लिए कुछ सर्जिकल ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि बॉटुलिनम टॉक्सिन या फिर पोस्टियर टिबियल नर्व स्टिमुलेशन और सैक्रल मेडुलर डिलेशन। इन सब बातों का सार ये है कि ओवर एक्टिव ब्लैडर वाली जो समस्या है इसका इलाज संभव है, और इस समस्या की स्टिग्मा जो है वो हमारे कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है। हमें ये बात समझनी होगी कि पेशाब के इन लक्षणों का ट्रीटमेंट संभव है और काफ़ी हद तक इसे रोका भी जा सकता है और ठीक भी किया जा सकता है। मैं डॉक्टर पीयूष कुमार पटावरी, डॉक्टर नायक नर्सिंग होम सिलीगुड़ी में मेनली प्रैक्टिस करता हूँ। इसके अलावा शांति नर्सिंग होम, हेरिटेज हॉस्पिटल और आरोग्य निकेतन में भी चैम्बर करता हूँ। धन्यवाद।